भारत को एक और नई जगह तेल के अकूत भंडार मिले हैं। कहने का मतलब है भारत को एक दो कुएं नहीं बल्कि 26 तेल के कुएं मिले हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कुओं में कितना तेल होगा। तो दोस्तों आगे वीडियो में जानेंगे कि ये तेल के कुएं कहां मिले हैं, इन तेल के कुएं में कितना तेल है, क्या भारत में जो पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए है वो 50 रुपए होने वाली है और सरकार का इस पर क्या कहना है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना भूलिएगा। दोस्तों मेन खबर यह है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन के डीप वाटर ब्लॉक 98/2 में भारत को ये बड़े क्रूड ऑयल भंडार मिले हैं। सबसे खुशी की बात तो यह है कि भारत के दिग्गज ऑयल एंड गैस कंपनी ONGC यहां पर क्रूड ऑयल निकालना भी शुरू कर दिया है और ये खबर खुद भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब ये पूरा कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि जिस बेसिन के अंदर ONGC ने अपनी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन चालू किया है, इससे पहले इस प्रोजेक्ट पर रिलायंस काम कर रही थी लेकिन रिलायंस के पास कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से रिलायंस ने ये पूरा प्रोजेक्ट कई कंपनियों के हाथ में सौंप दिया। इसके अलावा उसी पर्टिकुलर रीजन के करीब 5 किलोमीटर दूर KGD 6 ब्लॉक के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करती है और इसलिए कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाता है। यहाँ पर इतना तेल है कि भारत काफी हद तक अब आत्मनिर्भर बन जाएगा। दूसरे देशों से भारत को कम तेल इम्पोर्ट करना पड़ेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से और एडवांस मशीनों का इस्तेमाल करते हुए ONGC कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर क्रूड ऑयल निकालने का काम कर रही है जिसका फायदा भारत को दूसरी जगह भी मिलने वाला है। दरअसल भारत को कृष्णा गोदावरी बेसिन के अलावा भी अंडमान निकोबार में भी तेल के अकूत भंडार मिल चुके हैं और वहां पर भी हमें तेल निकालने के लिए इसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है और ये इलाका ऑफशोर रीजन में आता है। ONGC की ओर से ये भी खुलासा किया गया है कि बहुत जल्द ONGC यहां पर भी तेल निकालने का काम शुरू करने वाली है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को भी इनवाइट किया गया है ताकि टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा किया जा सके। दरअसल दोस्तों कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो ONGC तेल निकाल रही है उसमें फॉरेन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, तभी जाकर ये प्रोजेक्ट 100% सफल हो पाया है। इसलिए विदेशी कंपनियों का इस्तेमाल आगे चलकर भी ONGC करने वाली है। आपको बता दें कि इस 26 तेल के कुएं में इतना तेल है कि प्रतिदिन 45,000 बैरल तेल का प्रोडक्शन किया जा सकेगा और ये प्रोडक्शन हमारे देश के कुल कच्चे तेल के प्रोडक्शन का 7% और हमारे गैस प्रोडक्शन का 7% होगा। KG 98/2 प्रोजेक्ट से ONGC के टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में 11% और गैस प्रोडक्शन में 15% की ग्रोथ होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार बताया भी जा रहा है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 100 से 50 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में